वेल दोस्तों, आप हमारे चैनल पे जिसका नाम इसके एडवांस इन्फो है। तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ पॉडकास्ट के बारे में। अब आप सोच रहे कि ये पॉडकास्ट क्या होता है, ओके, तो मैं आपको जो इस वीडियो में पूरा बताने जा रहा हूँ, ओके, डोंट वरी, मैं आपको जो 5 से 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ पॉडकास्ट के बारे में, जैसे पॉडकास्ट क्या होता है, ओके, हमें पॉडकास्ट में कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना होता है और इसमें क्या कोई क्राइटेरिया है। जैसे यूट्यूब पे आपको पता है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम, और इसमें कौन सा हम कैटेगरी सेलेक्ट करें। जैसे यूट्यूब पे आपको पता है कि बहुत सारी कैटेगरी, यहाँ पे भी आपको कैटेगरी चूज़ करना होता है आपके स्किल के हिसाब से। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है पैसा कमाना, जिसे कहते हैं मोनेटाइजेशन, अर्निंग, ओके। यही मेन जैसे कि सवाल आता है यूट्यूब पे, काफ़ी लोग सर्च कर रहे हैं कि मोनेटाइजेशन है पॉडकास्ट, ओके, काफ़ी लोग जैसे कीवर्ड सर्च करते हैं, तो ये भी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके, सारी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पॉडकास्ट क्या होता है। देखिए, पॉडकास्ट मतलब होता है ऑडियो कॉन्टेंट। जैसे हम यूट्यूब पर नॉर्मली वीडियो बनाते हैं, जैसे आप मेरा देख ही रहे कितने सारे मैंने वीडियो अपलोड किया हो, तो इसे कहते हैं वीडियो कॉन्टेंट। लेकिन जब हम बात करते हैं कि मतलब पॉडकास्ट की, तो पॉडकास्ट एक है ऑडियो कॉन्टेंट, ओके, ऑडियो, जहाँ पे आप, अगर आपको आता है एडिटिंग अच्छी आती है वॉइस की, ओके, ऑडियो की एडिटिंग करना, तो आप सिर्फ नॉर्मली ऑडियो एडिटिंग कीजिए। आप अपना फेस नहीं दिखा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, ओके, ऑडियो एडिटिंग कीजिए उसमें और अपलोड कर लीजिए, काफ़ी ईजी है। अब मेन सवाल आता है कि हम कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करें। अगर आप देखेंगे कि पॉडकास्ट में इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे एप्पल पॉडकास्ट है, गूगल प्ले म्यूजिक है, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, एंकर, इतने सारे ही मतलब, तो इसमें लोगों को क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा हम चूज़ करें, क्या हमें सब में अकाउंट क्रिएट करना है। अगर सब में अकाउंट क्रिएट करना है तो कितना हमें, जैसे कि एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, हमें कितना अकाउंट क्रिएट करना होगा, कितना पासवर्ड ऐड करना होगा। बट डोंट वरी, ओके गाइज, मैं आपको सबसे बेस्ट बताने जा रहा हूँ, जो मैं खुद कल ही मैंने अकाउंट क्रिएट किया, सेटअप किया, जो है एंकर, ओके। तो मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि एंकर ने मुझे कोई इसके लिए पे नहीं किया है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक सजेस्ट कर रहा हूँ, ओके, जो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे व्यूअर को राइट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। तो मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरों के खिलाफ स्पॉटिफाई, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन एंकर मुझे क्यों अच्छा लगा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले कि इसका, अगर आप जाएंगे प्ले स्टोर पर, तो आपको जो है दिखेगा वहाँ पर 5 मिलियन डाउनलोडेड दिखा हुआ है, डाउनलोड किए 5 मिलियन लोगों ने, ओके। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि इसमें कोई क्राइटेरिया है, ओके, पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद फिर एंकर पे आएंगे हम। तो देखिए, इसमें ऐसा कोई नहीं कि क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है, बस आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपको जो लोग फॉलो करना चाहिए, ओके, काफ़ी अच्छे, जैसे कि 1000 के ऊपर तो रहना चाहिए मिनिमम, ओके, क्यों, उसका मैं आपको फ़ायदा भी बताने जा रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ तक बात आती है कि कैटेगरी, तो कैटेगरी में मतलब जो भी आपको नॉलेज है, फॉर एग्जांपल जैसे मुझे जो है मतलब काफ़ी नॉलेज है लेबर लॉ के बारे में, तो देखिए मैं बनाता हूँ प्रोविडेंट फंड, पेंशन, लेबर लॉ, ESI से रिलेटेड, यानी ये जो मेरा चैनल है, ओके, वो जैसे कि एजुकेशनल क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा यूट्यूब पे मेरा जो कैटेगरी है वो एजुकेशन की है, सेम यहाँ पे भी मेरी जैसे कि एजुकेशन की कैटेगरी मैंने चूज़ किया हूँ, ओके। जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं अकाउंट, ओके, पूरा मैं आपको दिखाऊंगा इसमें, ओके। अब लास्ट आता है, ओके, ये बताने के बाद फिर मैं एंकर पे आता हूँ। देखिए, पहले मैं एंकर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, इसमें काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हैं, यानी बहुत ईजी है अकाउंट क्रिएट करना, बहुत कम जानकारी आपको डालना होता है। जैसे आपको यहाँ पे जाना होता है, पहले आपको डिस्क्रिप्शन सेम यूट्यूब की तरह है, आपको एक चैनल का नाम सेलेक्ट करना होगा, जो मैंने सेलेक्ट किया प्रोविडेंट फंड, पेंशन, लेबर लॉ, ESI से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन डालना है कि एग्जैक्ट इसमें क्या बताएंगे आप, ओके। फिर उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पे इतना अच्छा फ़ायदा है कि आप मतलब एक्सटर्नल लिंक भी शेयर कर सकते हैं, यानी आप लिंक कर सकते हैं, जैसे मेरा जो है मैंने ट्विटर का किया हो, यूट्यूब का किया हो, इंस्टाग्राम का किया हो, तो लोग चाहे तो मेरे वो भी चैनल पे, जब मतलब मेरे जो सोशल मीडिया अकाउंट पे जाके मुझको लोग फॉलो कर सकते हैं, यानी इन शॉर्ट यहाँ पे भी एक प्रमोशन हो रहा है मेरा, ओके। तो साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे बता रहे हैं कि मे टू फर्स्ट एपिसोड, क्योंकि मैंने कल ही अकाउंट क्रिएट किया हो और आज मैं, ओके, अपलोड कर दूँ एक एपिसोड। देखिए, इसमें ये भी अच्छा फ़ायदा है कि डिस्ट्रीब्यूट योर पॉडकास्ट, यानी जैसे ही आपने एपिसोड डाल दिया तो एंकर क्या करेगा कि आपके जितने भी एपिसोड है वो शेयर करेगा दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म पे। जैसे मैं यहाँ पे जैसे आपको मैं शो कर रहा हूँ, देखिए गाइज,
ये पढ़ लीजिए, थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ. वंस यू हैव क्रिएटेड योर फर्स्ट एपिसोड विद एंकर विल हेल्प यू डिस्ट्रीब्यूट योर पॉडकास्ट टू द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म्स जैसे स्पॉटिफाई में, एप्पल पॉडकास्ट में, यानी काफी जैसे कि दे रहा है ओके रेडियो पब्लिक में. इफ यू वॉन्ट टू मेक योर पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन एडिशनल प्लेटफॉर्म्स नॉट इंक्लूडिंग इन द लिस्ट ओके यू कैन ईदर वेट फॉर अस टू सपोर्ट दोस प्लेटफॉर्म जैसे कि मतलब एंकर जो इसमें ऐड करो और काफ़ी जैसे. तो आप क्योंकि अभी देखिए क्योंकि ये पॉडकास्ट इतना इंडिया में फेमस नहीं हुआ है, ये US में काफ़ी फेमस हो चुका है, इंडिया में थोड़ा थोड़ा करके फेमस होगा. मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर तक 2021 तक पॉडकास्ट ही काफ़ी फेमस हो जाएगा ओके. तो देखिए ये खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी आपको हर जगह अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये सब डिटेल्स आपको मेक श्योर आपको प्रोवाइड करना होता है जो भी ओके. जैसे पॉडकास्ट का नाम, पॉडकास्ट का डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको दिखाई दिया, कवर आर्ट यानी आप थंबनेल भी बना सकते हैं जो भी आप एपिसोड अपलोड करेंगे. जैसे यूट्यूब का नया है, जैसे कि हमेशा हर यूट्यूबर्स ओके एक अपना एक थंबनेल बनाता है वीडियो का, तो मेरा देखिए ये सब थंबनेल ही है ओके. वैसे ये जैसे कि इसमें भी थंबनेल का है ज़रूरी ओके, तो थंबनेल भी आप बना सकते हैं जिसे आप कवर आर्ट कहते हैं ओके. एज फार एज मोनेटाइजेशन इज कंसर्न, तो मोनेटाइजेशन पे हम जाके पढ़ते हैं कि क्या है मोनेटाइजेशन इसका ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे थोड़ा सा जाइए ओके. पहले मैं ये बताता हूँ कि अभी तक इंडिया में मोनेटाइजेशन इसका नहीं आया है क्योंकि इंडिया में इतना फेमस ही नहीं हुआ ओके. ऑलरेडी ये US में है ओके, US में हो चुका है मतलब मोनेटाइजेशन, लेकिन इंडिया में नहीं है. लेकिन आप जो भी अर्निंग करेंगे फिलहाल वो आप वॉलेट में रख सकते हैं एंकर के, जब मोनेटाइजेशन आएगा तो आप उसको निकाल सकते हैं, विदड्रॉ कर सकते हैं ओके. तो देखिए अभी आप कमाएंगे तो कमाएंगे क्यों, मैं क्यों अपनी एनर्जी में क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ यार, इस सब मेरे को पता ही है कि पैसा नहीं कमा पा रहा, यही आप सोच रहे हैं ना. तो मैं आपको बताना चाहूँ कि अभी तो मोनेटाइजेशन का कोई फिलहाल ऐसा मतलब क्राइटेरिया नहीं है, कुछ भी नहीं है फिलहाल ओके कि आप जो भी अकाउंट जो भी अर्निंग कर रहे हो आप अपने अकाउंट में ले सकते हैं यूट्यूब की तरह. बट इसमें ये फ़ायदा है कि आप जो स्पॉन्सरशिप का कर सकते हैं ओके. मतलब स्पॉन्सरशिप मतलब आप अच्छा अच्छा अपलोड कीजिए, आपके जैसे अच्छे अच्छे फॉलोअर्स बढ़ते रहेंगे, लाइक आते रहेंगे, आपको खुद ही कंपनी वाले यानी जो ब्रांड है आपको खुद कॉन्टैक्ट करेंगे और उससे आप पैसा कमा सकते हैं, यानी स्पॉन्सरशिप में भी फायदा. और शॉर्ट अगर आप देखेंगे तो आपका कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं PF की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि मैं PF की सर्विस देता हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए ओके. अगर आपको भी चाहिए, आप लोग को भी देख रहे हैं जिसको चाहिए, तो मैं अपना नंबर दे रहा हूँ ओके, आप मुझे व्हाट्सअप कर देना. तो मतलब ये फ़ायदा है कि आपका इन शॉर्ट एक आप ब्रांड बना रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं ओके, ये भी फ़ायदा है. और फ्यूचर में जैसे कि मैंने अभी ऐसा एंकर ने नहीं कहा है कि मैं अर्निंग नहीं दूंगा इसमें ओके, आएगा लेकिन टाइम लग सकता है, फिर भी कोई टाइम का अपडेट्स नहीं है. ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपको कुछ भी इनकम नहीं हो सकता, फ़ायदा है इसमें, काफ़ी लोग ऑलरेडी कमा चुके हैं इसमें और वो अपने वॉलेट में डाल चुके हैं. काफ़ी लोग हो जैसे कि मेरा फ्रेंड भी जो काम करता है इस पर, उसकी अर्निंग हो चुकी है, वो कितना 6-7 महीना पहले से काम कर रहा है इस पर ओके. तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि इसमें काफ़ी बेनिफिट है. एंकर मुझे सबसे बेस्ट लगा एज कम्पेयर टू ऑल, मैं सबको अच्छा मैं मानता हूँ, सभी स्पॉटिफाई 500 मिलियन डाउनलोडेड है ओके, काफ़ी अच्छा है. लेकिन जब मेरा एंकर खुद ही वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, मैं क्यों अकाउंट क्रिएट करूँ. तो काफ़ी अच्छा एंकर है, आप जैसे यूट्यूब पर जाके देखेंगे काफ़ी लोग एंकर को ही जैसे कि कहा है कि सजेस्ट किया है ओके. तो मैं भी एंकर ही को दूंगा सजेशन आपके आपके आप यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कीजिए, बहुत इजी है. ऑडियो एडिटिंग कीजिए ऑडासिटी से हो गया, जैसे नॉर्मली मैं एडिटिंग करता हूँ ऑडासिटी से, यहाँ से मैं एडिटिंग करता हूँ, बहुत इजी है ओके. अगर आपको लग रहा है कि आप वीडियो आपकी नहीं शो करना चाहते, नहीं दिखाना चाहते, नो प्रॉब्लम, ऑडियो कॉन्टेंट है ओके, आप ऑडियो अपलोड कीजिए ओके, इसको एडिटिंग कर लीजिए, इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दीजिए, ना इसमें कोई कॉपीराइट का टेंशन कुछ भी नहीं है फिलहाल, ऐसा कोई अपडेट्स नहीं है. लेकिन आप काम कीजिए तो अच्छे से काम कीजिए, प्रॉपर तरीके से अपलोड कीजिए, जो भी आप सर्विस दे रहे यार इन शॉर्ट तो आप कमा ही रहे ना, इन शॉर्ट देखेंगे इनडायरेक्टली आप कमा ही रहे, मतलब आप प्रमोट कर रहे हैं अपने बिजनेस को, स्पॉन्सरशिप मिलेगा तो वहाँ से भी आप कमा लेंगे, तो काफ़ी अच्छा है प्लेटफॉर्म ओके. तो मैं भी अपना अकाउंट क्रिएट किया हूँ जो मैंने आपको दिखाया हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे को भी जाके वहाँ पे फॉलो कर लेना. आज हो सकता है कि मैं अपलोड कर दूँ एक जैसे कि एपिसोड ओके ऑन एंकर ऑन पॉडकास्ट. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी लॉन्ग वीडियो है सॉरी ओके इसके लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर.